यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके बाद जो गिनती है वोटों की वो शुरू हो चुकी है। रुझान जो है उसके अनुसार 6 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में मिली बढ़त से बीजेपी में खुशी की लहर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा कि विरोधियों को उपचुनाव से जवाब मिल गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए का सरकार बनाने हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी विपक्ष को 20-25 सालों तक और इंतजार करना होगा। क्या कुछ कहा सुनाएंगे? उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए। बिहार में जो एग्जिट पोल था उसके उलट भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम है। इन दोनों राज्यों के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीट को लेकर के, जिसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, और बिहार को लेकर के क्या रिएक्शन है? देखिए, हम तो यह मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें भी और जो बिहार के अंदर एनडीए चुनाव लड़ रहा है उसमें भी सफलता मिलेगी और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा शानदार अपना जो विजय अभियान है उसको दोहराने का काम करेगी। देश में भी उपचुनाव कई राज्यों में हुए हैं, वहाँ के भी परिणाम भाजपा के पक्ष में हैं और मैं यह मानता हूँ कि जो केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, सीमाओं की रक्षा सुरक्षा और देश के विकास को लेकर के जो रोड मैप है उसका, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में जो हमारी सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो बूथ स्तर तक इतना मजबूत है कि सारे विरोधी दल के जो संगठन है उनकी तुलना में हमारा संगठन ज्यादा प्रबल है और मैं इस विजय का श्रेय जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को बार बार देता हूं और जो लोग सेमीफाइनल कह रहे थे इसका जवाब तो अब उन्हीं को देना। केवल अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव ने कहा कि दिवाली उनकी आई है, दिवाला बीजेपी निकालती है, अब उपचुनाव में बढ़त बनाए हैं बिहार में, नीतीश को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी अगर बढ़त बनाती है, जो विपक्ष आरोप लगाए कि नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बयान? देखिए, इस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा कभी कभी उत्तर प्रदेश में भी किया जाता, यही बिहार में किया जा रहा था। हमारे स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था, एनडीए चुनाव लड़ रहा है, नीतीश जी बिहार में एनडीए के नेता हैं, चुनाव परिणाम जब आएंगे उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो इस पे मैं समझता हूँ कि हमारे जब नेतृत्व ने कह दिया है तो इस पे कोई सवाल का विषय नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है उस, मैं श्री अखिलेश यादव जी, मैंने एक दिन कहा था, वह इस भ्रम में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बराबर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी, लेकिन कोई गुंडा राज की वापसी जब बिहार में नहीं किए तो गुंडा राज की वापसी, सपा सरकार की वापसी उत्तर प्रदेश में भी होने की अभी कम से कम 25 साल संभावना नहीं। निश्चित तौर पे उत्तर उपचुनाव को लेकर के और बिहार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आह्लादित है और इसका कहना कि विपक्ष अभी कई सालों तक और इंतजार करे क्योंकि दोनों जगहों पे आने वाले सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ।